परम पूजनीय भारत गौरव गरणी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी के स्वागत के लिए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी ने अपने पलक पावड़े विघ्न दिए। स्वागत की भव्यता इससे ही पता चलती है। मुख्य द्वार से संत भवन तक के करीब 1 किलोमीटर की लंबे मार्ग की दूरी तय करने में 1 घंटे से भी अधिक का समय लग गया। डोली के आगे आगे दिव्य घोष कलश, ज्योति कलश, धार्मिक धुनों पर लेजिम पम्पम डांडिया के अलावा जैन ध्वज और अंत में अहिंसा रथ चल रहा था। भक्ति गीतों पर रंग बिरंगी ड्रेसों, राजस्थानी पगड़ी में श्री जी की भक्ति में श्रावक और श्राविकाएं जमकर झूम रहे थे। माताजी और उनके संघ का कुल अधिपति सुरेश जैन, TMU की फर्स्ट लेडी वीना जैन, GVC मनीष जैन उनकी धर्मपत्नी, रीचा जैन सुपुत्र अक्षत जैन, सुपुत्री नंदिनी जैन ने यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर करीब 1.5 घंटे खड़े होकर बेसब्री से इंतज़ार किया। जैसे ही संघ माता जी की डोली यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर पहुंची तो गुरु माता के जय घोष के साथ ही अध्यात्म की बयार बह निकली। जैसे ही उनकी डोली जिनाले के द्वार पर पहुंची तो कुल अधिपति ने सपरिवार उनका पाद प्रचालन किया। माताजी की डोली पर गेंदे के फूलों से वर्षा हुई। माताजी और सत्संग के स्वागत को मुख्य द्वार से सेकंड द्वार तक, सेकंड द्वार से जिनाले तक और जिनाले से मेडिकल छात्रावास होते हुए संत भवन तक दोनों तरफ छात्र छात्राएं हाथों में फूलों की पंखुड़ियाँ लिए हुए कतारबद्ध खड़े रहे। संत भवन में कुलाधिपति सुरेश जैन ने भगवान देवादिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, गणनी प्रमुख आर्यिका शिरोमणि, श्री ज्ञानमती माताजी आर्यिका रत्न, श्री चंद्रामती माताजी के संग भक्तों की मंगल प्रवेश की जय जय के नारे लगवाए। संचालन ब्रह्मचारिणी डॉक्टर कल्पना जैन ने किया। श्रीफल भेंट करने वालों में कुलाधिपति सुरेश जैन, फर्स्ट लेडी वीना जैन, GVC मनीष जैन उनकी धर्मपत्नी, रीचा जैन सुपुत्री, सुपुत्र अक्षत जैन सुपुत्री नंदिनी जैन, कुलाधिपति प्रोफेसर आर.के. मुद्गल, कुलपति प्रोफेसर आर.के. मुद्गल, प्रोविसी प्रोफेसर रघुवीर सिंह, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर के पांडे, निदेशक फार्मेसी प्रोफेसर के झा, निदेशक छात्र कल्याण प्रोफेसर MP सिंह, निदेशक एडमिशन SP जैन, ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिशन मनोज गुप्ता, अनियंत्रक डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, निदेशक कॉरपोरेट अफेयर्स श्री राजेश वर्मा, निदेशक प्राचार्य FOECS प्रोफेसर आर.के. द्विवेदी, निदेशक टिमिट प्रोफेसर विपिन जैन, निदेशक हॉस्पिटल विपिन जैन, प्राचार्य डेंटल कॉल डॉक्टर मनीष गोयल, ज्वाइंट रजिस्ट्रार गवर्नर्स डॉक्टर आदित्य शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार HR डॉक्टर PN अरोड़ा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर वैशाली ढींगरा, प्राचार्य फार्मेसी डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार घोष, मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल SK जैन, HOD इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेसर आर.के. जैन, HOD फिजियोथेरेपी डॉक्टर शिवानी MCOL, HOD फाइन आर्ट्स रविंद्र देव, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक डॉक्टर अमित शर्मा, रत्नेश जैन डॉक्टर मनोज जैन, HOD मॉस्कॉम श्याम सुंदर भाटिया आदि शामिल थे। इनके अलावा जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन, महिला जैन समाज की अध्यक्ष नीलम जैन, अंकित जैन के अलावा रामपुर से DK जैन आदि ने भी माताजी को श्रीफल भेंट किए। कार्यक्रम में CA गौरव अग्रवाल, हर्षित जैन, आशीष जैन, नवीन रस्तोगी, अभिषेक जैन, संजय जैन आदि भी मौजूद रहे।
लेकिन ये शासन, ये जैन शासन, ये भगवान महावीर से प्रारंभ हुआ ऐसा नहीं है, भगवान शब्द से प्रारंभ हुआ ऐसा भी नहीं है। ये अनादि निहन शासक जैन शासन है, अनादिकाल से है और अनंतकाल तक नहीं है। आज भी इस मध्य लोक में 2.5 दिन में 170 कर्म भूमि है, उसमें 160 विदेह क्षेत्रों में इस शाश्वत धर्म जैन धर्म चला आ रहा है और हमेशा हमेशा चलता ही रहता है। कभी षठ काल परिवर्तन, छह काल परिवर्तन होता है, तो छह काल परिवर्तन के निमित्त से यहाँ पर प्रथम और द्वितीय और छठी काल में भोग भूमि रहती है, चतुर्थ पंचम और छठे काल में कर्म होती है। तो ये व्यवस्था यहाँ पर धर्म की, जैन धर्म की सादगी और शांति हो जाती है। इसलिए यहाँ चतुर्थ काल के प्रारंभ में अथवा योग ये छठी काल के अंत में भगवान ऋषभदेव से जैन धर्म प्रारंभ हुआ है और पंचम काल के अंत तक रहेगा। अभी 18,500 वर्ष में हमें इतना ही कहना है कि ये हमारा विश्वविद्यालय भगवान महावीर के नाम पूरे दुनिया के लोगों के लिए ज्ञान को प्रदान करने के लिए आलय है, स्थान है और इसीलिए उसके कुलाधिपति हैं और कुलपति हैं। यानी कुल है तभी तो उसके संभालने वाले हैं, कुल है तभी तो उसके अधिपति हैं। यहाँ प्रेम की गंगा, यहाँ अपने अपने कर्तव्य को पालन करने रूप धर्म का साम्राज्य हमने देखो। रामायण देखी और सुनी होगी आपने। रामायण के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में होते हैं, एक ग्रद्ध पक्षी, था जो राम और सीता के पास में आया, तो जैन रामायण के अंदर वर्णन आया है कि एक मुनि महाराज को आहार दे रहे थे राम सीता, पेड़ पर पक्षी बैठा था, ग्रद्ध पक्षी, और वह एकदम नीचे गिरा और मुनि महाराज के चरण धोया हुआ जो जल था उसके अंदर गिरा तो उसके पंख एकदम रविंद्र कीर्ति जी समस्त मंच पर विराजमान समस्त संघ के चरणों में वंदना करते हुए सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये विश्वविद्यालय परिवार के लिए सौभाग्य का विषय है, कितनी पावन व्यक्तित्वों का इस परिसर में आना हुआ और ये परिसर पावन हुआ। निश्चित रूप से आपका आगमन हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऊर्जा का स्रोत है और हम जो मानवीय मूल्यों के प्रति हमारा समर्पण है उसमें पुनः हमारा विश्वास जगता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छे मानवों का निर्माण कर सकें। पुरानी एक कहावत है, जब जब होता नाश धर्म का, आप बहुत बढ़ जाता है तब लेते अवतार त्रिभुजी, विश्व शांति पाता है। ये जितनी भी विभूतियाँ हैं और विशेष रूप में माता चंद्रमती जी और ज्ञानमती माता जी, निश्चित रूप से ये मानव की देवी ईश्वरी हैं और इनके आगमन से ये पावन परिसर एक मंदिर बना, ये अपने आप में एक मंदिर है। निश्चित रूप से हम इनकी प्रेरणा से